हाय एवरीवन, गिम्बल की अनबॉक्सिंग तो हमने कर ली और उसके सारे फंक्शंस भी हमने देख लिए कि वो क्या क्या कर सकता है, लेकिन उसमें बहुत सारे फीचर्स भी हैं जो हमने एक्सप्लोर नहीं करे और ना हमें आते थे। चलो ऐसा करते हैं, गिम्बल को एक बार और मंगा ले मैम से चेक करने के लिए कि वो क्या क्या कर सकता है। अब उनको इस छोटी सी चीज़ के लिए क्या ही यहाँ पर बुला के डिस्टर्ब करूँ, बालकनी में जाके यहीं मंगवा लेता हूँ। चलो भाई, मैं बालकनी में आ गया हूँ और मैम को ये बालकनी में बुला लिया है मैंने। मैम को हाई कर देते हैं। हाय। अरे मैम, एक रिक्वेस्ट थी। अरे मैम, वो जो गिम्बल आपने लिया था ना, जिसका अनबॉक्सिंग करी थी, उसके और फीचर्स बताने थे। एक बार आप बालकनी से फेंक दो, मैं कैच कर लूंगा। अच्छा, एक मिनट। थैंक यू। तो भाई, जिसने मेरी और शबला मैम की अनबॉक्सिंग की वीडियो नहीं देखी है, वो यहाँ आई बटन पे जाके क्लिक करके उस वीडियो को देख सकता है। लेकिन फिर भी, जस्ट टू रीविजिट, मैं एक बार सारे के सारे कॉम्पोनेंट्स बता देता हूँ कि बॉक्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। गिम्बल, मैग्नेटिक क्लैंप जो कि मेरे फ़ोन पर लगा हुआ है, ग्रिप ट्राइपॉड, USB टाइप सी पावर केबल, एक स्टोरेज पाउच, एक राइजर और एक रिस्ट बैंड। अब इन केस आप लोग सोच रहे हो कि रिस्ट बैंड का क्या पर्पज़ है, तो इसका ये पर्पज़ है कि इसको यहाँ पे लगा के इस तरह से रिस्ट में बांधा जा सकता है और इसको यहाँ से टाइट किया जा सकता है, तो ये निकलेगा नहीं हाथ से। तो कोई किसी एडवेंचर के लिए, किसी स्पोर्ट्स के लिए जा रहा है और उसको डर है कि ये फिसल के गिर सकता है, सो दिस कैन कम इन हैंडी एंड इट विल इंश्योर कि ये हिले ना, एंड इससे डायरेक्टली आप इस तरह से ग्रिप बना सकते हो। सो दिस इज द पर्पज ऑफ द रिस्ट बैंड। बहुत काम की चीज़ लगी मेरे को। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम गिम्बल की सारी फीचर्स की इन डेप्थ, इन डिटेल, एक एक फीचर जो ये लोग मेंशन करते हैं अपनी वेबसाइट पे और जो ये क्लेम करते हैं DJI वाले कि इसमें ये हो सकता है, वो हो सकता है, सारी चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करूंगा, टेस्ट करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। आई प्रॉमिस इन डेप्थ सारी चीज़ें कवर होंगी, बट फर्स्ट इसके बेसिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में। अब इसकी बैटरी जो है वो इनबिल्ट है, देयर इज़ नो एक्सटर्नल बैटरी जो इसमें डल सकती हो। अब बैटरी का बैकअप ये क्लेम करते हैं कि 15 घंटे हैं। इन्होंने ये तो नहीं कह रखा कि ये कितनी कैपेसिटी की बैटरी है, कितने mAh की बैटरी है, वो तो इन्होंने मेंशन नहीं करा हुआ, बस इन्होंने टाइम लिमिट मेंशन करी हुई है। अब मैंने फुल डे ऑफ यूज़ तो नहीं किया इस गिम्बल का, इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ कि ये 15 घंटे चल पाएगा कि नहीं पाएगा। बैटरी के बारे में अगर आपको चेक करना हो कि कितनी बैटरी है इसके अंदर, तो यहाँ पे जो लाइट्स जलती हैं सबको पता चल जाता है। जैसे कि अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ कि अभी कितनी बैटरी है इसमें, तो आप देख सकते हैं कि इसमें दो लाइट्स चल रही हैं, इसका मतलब कि इसमें करीबन 50% बैटरी है। दूसरी बात, ये लोग सिर्फ ये क्लेम करते हैं कि बैटरी को चार्ज करने के लिए 4 एम्पियर का करंट चाहिए। अगेन, कैपेसिटी कितनी है वो इन्होंने मेंशन नहीं करी हुई। एंड दी बेस्ट पार्ट इज कि इसके अंदर एक साइड में यहाँ पे एक इन्होंने USB केबल का प्लग पॉइंट दे रखा है, एंड इसको अगर खोल देते हैं तो यहाँ पे भी केबल लगा के आप गिम्बल के साथ फ़ोन लगा के फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हैं या किसी दूसरे डिवाइस को भी चार्ज कर सकते हैं। इस गिम्बल का वेट है 390 ग्राम्स, तो उतना ज़्यादा भारी लगता नहीं है हाथ में वैसे पकड़ के अगर देखो। बट इससे पहले कि हम सारे फीचर्स इसके बारे में स्टडी करें और एनालाइज करें, जिस चीज़ के लिए गिम्बल सबसे ज़्यादा फेमस है, इसकी स्टेबिलिटी, सबसे पहले नीचे जाके इसकी स्टेबिलिटी का टेस्ट करते हैं। तो मैं नीचे आ गया हूँ सोसाइटी में टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द गिम्बल। तो मैं यहाँ से लेके पीछे तक भाग के दिखाऊंगा, एक बार हाथ में फ़ोन लेके रनिंग करूँगा और उसके बाद गिम्बल के साथ भाग के दिखाऊंगा टू चेक कि फ़ोन कितना स्टेबल रहता है गिम्बल के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। भाई, इसकी स्टेबिलिटी टेस्ट करने के लिए नीचे धूप में मैं काफ़ी भागा हूँ, तो प्लीज़ हिट दी लाइक बटन इस चीज़ के लिए। एंड आई एम श्योर आप लोगों को एक अच्छा पता चल चुका होगा, पूरा ओवरव्यू सारे फ्रेम्स देख के, कंपैरिजन देख के, कि ये कितना स्टेबल है। और स्टेबिलिटी टेस्ट के साथ साथ मैंने एक और चीज़ शूट करी है जिसके बारे में बाद में बताऊँगा। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो सबसे पहला फीचर है जेस्चर कंट्रोल। इसका मतलब कि अगर फ़ोन सामने रखा हुआ है और आप दूर खड़े हैं और जो शटर बटन है दैट इज़ नॉट एक्सेसिबल, आप उसको रख के दूर से एक जेस्चर करेंगे, एक इशारा करेंगे, एंड दी फोन विल रिकग्नाइज इट एंड आपकी फोटो खींच जाएगी। वेरी कन्वीनियंट। चलिए देखते हैं। चलिए, इसका जेस्चर कंट्रोल कैसे ऑन होता है मैं वो दिखाता हूँ सबसे पहले आपको। तो पहले तो हम इसकी, जब DJI की ऐप में जाते हैं तो वी नीड टू क्लिक ऑन डिवाइस। डिवाइस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो
तो इसका ये कैमरा मोड ऑन हो जाएगा एंड कैमरे मोड पे ऑन होने के बाद हमने ये फोटो सिलेक्ट करना है जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पे जो एक हाथ बना हुआ है दिस वन, यहाँ पे हम इसका जेस्चर कंट्रोल ऑन करेंगे और जैसे ही इसका जेस्चर कंट्रोल ऑन हो चुका है अब मुझे सिर्फ एक इशारा करना है एंड इट विल क्लिक द पिक्चर। देखा फोटो क्लिक हो चुकी है और फोटो सेव हो रही है। जो सेकंड फीचर है गिम्बल का वो है मोशन ट्रैकिंग, जिसे कि DJI कहते हैं एक्टिव ट्रैक 3.0। अभी एक्टिव ट्रैक क्या है, इट इज जस्ट लाइक मोशन ट्रैकिंग। इसके अंदर ये आपके फेस को रिकॉग्नाइज कर लेगा और जैसे जैसे आप मूव करेंगे वैसे वैसे गिम्बल भी मूव करेगा टू मेक श्योर कि फोकस आपके चेहरे पे हो। हाँ, जब मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा था शबला के साथ तो मैंने DJI का डिब्बा, पिल्लो, इन सबको मोशन ट्रैक कराने की कोशिश करी, लेकिन मैंने इसके बारे में पढ़ा और मुझे पता चला कि इट कैन रिकॉग्नाइज ओनली अडल्ट्स, चिल्ड्रन एंड पेट्स। ये और किसी ऑब्जेक्ट को नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएगा, अगर कर पा रहा है तो एक बोनस है, अदरवाइज ये सिर्फ पेट्स को और इंसानों को रिकॉग्नाइज कर पाता है। तो चलिए ये फीचर चेक करते हैं। तो एक्टिव ट्रैक एनेबल करने के लिए सबसे पहले मैं अपने फेस को सिलेक्ट करूंगा इस तरह से, देखिए। नाउ दैट द एक्टिव ट्रैक इज एनेबल्ड, आप ये ग्रीन कलर के बॉक्स के अंदर देख सकते हैं मेरे चेहरे को एंड लुक एट द वे इट इज। नाउ द कैमरा, द गिम्बल विल एंश्योर कि मुझे फॉलो करता रहेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये सिर्फ मेरे फ्रंट को ही रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, मेरी साइड को भी रिकॉग्नाइज कर रहा है, ये देखिए। Till now the active track 3.0 is working very efficiently. थोड़ी सी स्पीड फास्ट करके देखते हैं। ये तो बेसिकली अगर आपका चेहरा बहुत तेजी से इधर उधर हो रहा है और फ्रेम से बाहर निकल गया है तो वो स्क्वायर जो है वो ऑरेंज हो जाता है एंड देन इट इज नॉट एबल टू ट्रैक। अगर इसको दोबारा एनेबल करना है तो दोबारा इसको सेलेक्ट कीजिए एंड देर इट इज, वेरी नाइस। तो आपको बेसिकली इसमें अपने हाथ को बार बार यूज नहीं करना है, यू कैन प्लेस इट ऑन अ टेबल, यू कैन प्लेस इट ऑन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड ऑल यू हैव टू डू इज रिलाय ऑन द गिम्बल। जो तीसरा फीचर है इसका वो है स्लो मोशन मोड, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। चौथे फीचर पे चलते हैं। चौथा फीचर है स्पिन शॉट मोड। चलिए मैं बताऊंगा नहीं, मैं दिखाता हूं कि इससे क्या होता है। तो ये था स्पिन शॉट मोड, जिसमें कि जो फ़ोन है वो 270 डिग्रीज तक का टिल्ट करता है और सामने की फुटेज इस तरह से घूमती हुई नज़र आती है। आप लोगों ने शायद इंसेप्शन मूवी देखी होगी, उसमें काफ़ी बार ऐसे सीन्स आते हैं जहां पूरा स्क्रीन इस तरह से रोटेट होता है। खैर ये तो मैंने ड्राइंग रूम में वीडियो ली है तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ पा रहा होगा, बट अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं इसकी एक आउटडोर लोकेशन में जाकर एक अच्छी फुटेज कैप्चर करने की कोशिश करूँगा और इसका एक ट्यूटोरियल भी बना दूंगा कि ये होता कैसे है। अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर पे। अगला फीचर है डायनामिक जूम। अब ये डायनामिक जूम क्या है वो मैं बताऊंगा नहीं, मैं दो फुटेजेस रिकॉर्ड करूंगा, एक विदाउट डायनामिक जूम और एक विद डायनामिक जूम। डिफरेंस आप लोग खुद देख के समझ जाओगे क्या है। अब सब्जेक्ट चाहिए मुझे इसके लिए जिसके ऊपर मैं डायनामिक जूम लगाऊंगा, तो हम लेंगे इस बैम्बू के प्लांट को और इस पे देखते हैं कि डायनामिक जूम कैसे काम करता है। तो कैसा लगा डायनामिक जूम फीचर आपको? मुझे लगता है कि हो सकता है कि शायद कुछ लोगों को वो ना समझ में आया हो, बिकॉज वो फीचर मेरी भी समझ में नहीं आया था शुरू में कि एग्जैक्टली है क्या। चलो मैं समझा देता हूँ। तो मैंने बैम्बू प्लांट लिया। अब नॉर्मली हम किसी चीज़ का वीडियो बनाते हैं तो जैसे जैसे हम उससे फ़ोन पीछे लेके जाते रहते हैं तो वो ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली हमें दूर जाता हुआ दिखेगा। डायनामिक जूम क्या करता है कि जैसे जैसे हम पीछे जाते रहते हैं और उस ऑब्जेक्ट से दूर जाते रहते हैं वैसे वैसे वो कैमरे को ऑटोमेटिकली जूम करता रहता है और वो जूम इस हिसाब से करता है कि वो ऑब्जेक्ट उतना ही पास लगे जितना कि पहले था। सो दिस इज़ हाउ डायनामिक जूम वर्क्स, कि अगर आपका डिस्टेंस इधर उधर भी हो जाए तो भी ऑब्जेक्ट जो है उसका डिस्टेंस उतना ही नज़र आए। तो ये बड़ा यूनिक फीचर है। नेक्स्ट जो फीचर है इसका वो है स्टोरी मोड। अब स्टोरी मोड क्या है? देखो कई बार ऐसा होता है कि हमें छोटी छोटी क्लिप्स लेनी होती है और उन छोटी छोटी क्लिप्स को लेके हमें एक वीडियो बनानी होती है, तो उसके अंदर एडिटर में जाओ, उसमें ट्रांजिशन डालो, इफेक्ट्स डालो, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इस DJI की ऐप के अंदर एक इनबिल्ट
एक एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है और ये है स्टोरी मोड। तो इसमें क्या होता है कि हम एक छोटी क्लिप लेते हैं, फिर एक छोटी क्लिप लेते हैं, फिर एक छोटी क्लिप लेते हैं और वो ऑटोमेटिकली उनको ज्वाइन करके वो इफेक्ट्स और ट्रांजिशंस डाल देता है। इसमें बेसिकली कुछ टेम्पलेट्स हैं और उसमें से किसी एक टेम्पलेट को आप सेलेक्ट कर सकते हो और वो टेम्पलेट आपको बताती रहती है कि अब आप इतने सेकंड का शॉट ले सकते हो, इतने सेकंड का शॉट ले सकते हो और वो ऑटोमेटिकली उसको स्टिच करके उस तरह की वीडियो बना के दे देती है। चलिए एक ट्रायल लेते हैं। सो ये था इसका स्टोरी मोड फंक्शन। थोड़ा सा बाद में जाके कभी जब मौका लगेगा, कोई अच्छी साइट होगी या कुछ दिमाग में क्रिएटिविटी होगी, तब स्टोरी मोड को और अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। अभी मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया आया नहीं था जब मैं इसका फुल्ली यूटिलाइज करता, तो ये मैंने वैसी ट्रायल के लिए ड्राइंग रूम में बना ली। नेक्स्ट जो इसका फीचर है वो है पैनो मोड। पैनो मोड क्या है? देखो, पैनो मतलब पैनोरामा, पैनोरामिक व्यू, उसका शॉर्ट फॉर्म है पैनो मोड। तो फोटोज़ जब हम लेते हैं तो फोटो के अंदर हम एक सामने जो फ्रेम होता है सिर्फ उसकी फ़ोटो लेते हैं। पैनो मोड के अंदर क्या है कि इसके अंदर और भी ऑप्शंस होते हैं। इसमें तीन ऑप्शंस हैं पैनो मोड में, 3x3, 240 डिग्रीज एंड क्लोन मी। मैं समझा देता हूँ कि क्या है कि 3x3 के अंदर क्या होता है कि तीन ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि 3x3 की क्यूब। तो ये इस तरह से 9 फोटोज़ लेता है और एक बहुत बड़ा कोलाज बना के सारी फ़ोटोज़ को स्टिच करके एक बहुत बड़ी इमेज कैप्चर करता है सामने वाली साइट की। और एक 240 डिग्री वाला जो पैनोरामिक व्यू है वो बेसिकली इतना पूरा एरिया लेगा 240 डिग्रीज एंड उसको सबको स्टिच करके एक फ़ोटो बनाएगा। और तीसरा है क्लोन मी। क्लोन मी के अंदर ये क्या करेगा, अगेन 240 डिग्रीज ये चारों तरफ फ़ोटो लेगा और जो ऑब्जेक्ट है, जो कि कोई पर्सन ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, वो अलग अलग जगह खड़ा रहेगा और वो उन फोटोज़ को स्टिच करेगा। तो ऐसा लगता है कि जैसे एक ही फ़ोटो के अंदर एक आदमी तीन जगह खड़ा हुआ है या फिर तीन लोग हैं, एक इंसान के दो क्लोन। तो इसमें से जो 3x3 पैनो है और 240 डिग्रीज पैनो है वो मैं बालकनी से शूट करके दिखाऊंगा, क्योंकि उसके लिए दूर से एक बड़ा सा एरिया कैप्चर कराया जाए तो अच्छा है। तो सबसे पहले हम करते हैं ट्राई 3x3 पैनो को। इसमें हमें फ़ोटो की बजाय पैनो मोड सेलेक्ट करना है, ये कर लिया। उसके बाद यहाँ पर इस ऑप्शन में हमारे पास ये रहा 3x3, पहले 3x3 है, फिर 240 डिग्रीज है, फिर क्लोन भी है। हम 3x3 सेलेक्ट करते हैं, ये देखिए अलग अलग एंगल से 1, 2, 3 इस तरह से ये पूरे एरिया को 9 पिक्चर्स में कवर करेगा एंड देन इट विल स्टिच इट। तो आप देख सकते हैं कि पैनो फोटो के अंदर इसने कितना ज़्यादा एरिया कवर कराया है। तो नॉर्मल फ़ोटो में ये सिर्फ इतना कैप्चर करता है। अब आप डिफरेंस देखिए, ये वो जो हमारी नॉर्मल फ़ोटो है और ये पैनो मोड में कितना एरिया कवर करा है इसने। अब हम नेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं 240 डिग्री पैनो। 240 डिग्री पैनो के अंदर ये 240 डिग्री घूमेगा और पैनोरामिक व्यू लेगा। ट्राई करते हैं। ये रही पैनोरामिक फ़ोटो। अब तीनों को कंपेयर करते हैं। ये है पैनोरामिक फ़ोटो 240 डिग्रीज, ये है नॉर्मल फ़ोटो और ये है 3x3 पैनो। स्टेबिलिटी टेस्ट करने के दौरान मैंने ये कहा था कि एक चीज़ और है जो मैंने आउटडोर शूट कर ली है, जिसके बारे में बाद में बताऊंगा, तो वो है क्लोन मी मोड। तो अब मैं क्लोन मी मोड दिखाता हूं और आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे यूज़ होता है। क्लोन मी ऐप ट्राई करने के लिए मैंने ये वाला नज़ारा लिया है बाहर का। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर सिर्फ एक फ़ोटो ली जाए तो सिर्फ इतना ही एरिया नज़र आएगा।
नेक्स्ट और सबसे लास्ट फीचर जो है इसका वो है स्पोर्ट मोड। स्पोर्ट मोड कुछ नया नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है, वो एक्टिव ट्रैक 3.0 ही है, बेसिकली मोशन ट्रैकिंग ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि स्पोर्ट मोड के अंदर इसकी स्पीड और एजिलिटी बहुत फास्ट हो जाती है। तो जैसे अगर छोटे छोटे बच्चे यहाँ से वहाँ खेल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, या कोई आपको किसी पेट की जो कि यहाँ वहाँ भागता फिर रहा है उसकी वीडियो बनानी है, तो गिम्बल के रिस्पॉन्सेज काफ़ी फास्ट हो जाते हैं, ऑटोमेटिक ट्रैकिंग बहुत फास्ट हो जाती है। तो ये स्पोर्ट मोड उसके लिए है एंड इट इज़ नो डिफरेंट फ्रॉम एक्टिव ट्रैक। कभी जब मौका लगेगा, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होगी, तो मैं उसकी भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये थे इसके फीचर्स के लिस्ट जो मैंने आपको बताए हुए हैं। रिव्यू इसका भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके अंदर और भी चीज़ें कवर करनी है, जैसे कि किन चीज़ों का ध्यान रखना है, थिंग्स टू कंसिडर, इसके पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, और एंड में मेरा वर्डिक्ट या मेरा कंक्लूजन कि इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इतनी इन डिटेल रिव्यू करने के लिए मुझे एक और वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी मुझे लगता है कि इस वीडियो का साइज़ बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है इसके फीचर्स को समझाने में। इसलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट, जिसके अंदर मैं इसकी और भी चीज़ें बताऊँगा, पॉजिटिव, नेगेटिव्स एंड माई फाइनल वर्डिक्ट। चलो, थैंक यू फॉर नाउ।